जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना, कहे कामिनी में बहुत दिन बाद आप लोगों के लिए हाजिर हूं। अब देखिए कि जो स्थितियां बनी हैं, जो हम घर ही में हैं बहुत दिनों से, तो एक बात ये एक तो पॉजिटिव भी हुई है कि हम बहुत लोगों को एक दूसरे के साथ रहने मिल रहा है, घर में टाइम स्पेंड हो रहा है, साफ सफाइयां हो रही हैं। लेकिन एक बात और है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। घर से वर्क फ्रॉम होम से भी स्ट्रेस बढ़ रहा है, कई काम रुक रहे हैं और स्ट्रेस, इससे बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी हो रहा है। और दूसरी बात, हम आज बात करेंगे आपसे सिर्फ वृद्धों के लिए। अब जितने भी वृद्ध हैं, वो एक तो याद रखिए कि उनका शरीर कम चलता है जवानों से, और जवानों को ये समझना बहुत जरूरी होता है कि वो वृद्ध को बहुत ज्यादा टोका टोकी या बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो शरीर वीक होने से मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। अब ऐसे में उनके साथ छोटे बच्चों का, अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं आपके, उठना बैठना हंसना बोलना जारी रखिए, फिल्म्स देखिए, घर में म्यूजिक लगाइए, आप लोग डांस करिए, उनको एंजॉय करवाइए। याद रखिए एक बात, आज आपको मैं बता दूं, जो लोग वृद्धों की सेवा नहीं करते, उनको टॉर्चर करते हैं या किसी प्रकार से उनके साथ बहस करते हैं या उनको किसी प्रकार से उनको तकलीफ देते हैं, तो उन लोगों को शनि की बहुत तकलीफ हो जाती है। शनि जो है वो वृद्ध ग्रह है, और वृद्ध ग्रह सपोर्ट करता है, राहु और शनि ये सब जो हैं वो सपोर्ट करते हैं वृद्धों को। तो शनि बिगड़ जाता है आपकी कुंडली में, और फिर आपको शनि की तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। तो जितनी आप वृद्धों की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, सेवा ना भी करें तो उनको कम से कम शांति से जीने दें, तो आपके जीवन में शनि महाराज कभी तकलीफ नहीं देता। बात रही वृद्धों की, तो मैं एक और वीडियो डालूंगी, इस पर विस्तृत चर्चा करूंगी कि वृद्धों को अपना हेल्थ कैसे संभालना चाहिए। मुझे पता है मेरे चैनल पर बहुत ज्यादा वृद्ध नहीं है, इसलिए उन तक ये संदेश पहुंचेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो जो जवान लोग देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, वो अपने मम्मी पापा सास ससुर और समाज के जितने वृद्ध लोग हैं उनको पहुंचाइएगा जब मैं वीडियो दूंगी आपको। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, और सब स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।